हेलो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कि क्वेश्चन होता है, जनरल सा क्वेश्चन होता है कि मैम हम सॉफ्ट पेस्टल कलर लें या फिर हम ऑयल पेस्टल कलर लें। ये देखो, ये एक ऑयल पेस्टल कलर है और ये है हमारे सॉफ्ट पेस्टल कलर। तो वैसे तो आप दोनों ही परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप बहुत सारे पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, तो ये कलर्स आप ले सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल कलर की अगर हम बात करें तो ऐसे ये पैक मिलेगा आपको मार्केट में। मेरे पास जो पैक है वो 36 शेड्स वाला है, इससे छोटा पैक भी आता है मार्केट में। तो ये जो होते हैं ये एक पाउडर वाले कलर्स होते हैं। पाउडर एक तरह से पाउडर होता है, मतलब एज ए हॉबी अगर आप इनके साथ कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप इनके साथ बना सकते हैं। लेकिन पेंटिंग में ये पाउडर आप देखोगे कि बार बार लगता रहेगा और ये फैलता रहता है पाउडर, ठीक है। जैसे हाथों में भी रहेगा कोई पेंटिंग, आप ये देखो यहाँ पे अगर आप इनको मर्ज करोगे तो ये मर्ज तो बहुत ईजीली और बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको मर्ज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखो, फिंगर के साथ आप ऐसे मर्ज करो, इजीली बहुत जल्दी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको एग्ज़ाम में यूज़ करोगे, आपको पता है एग्ज़ाम में बहुत सारी शीट्स लगती हैं, दो या तीन शीट्स के ऊपर आप काम करते हो, तो उसमें क्या होता है कि नीटनेस आपकी ख़त्म हो जाती है अगर आप सॉफ्ट पेस्टल कलर्स के साथ काम करते हो एग्ज़ाम में। वैसे एज ए हॉबी आपके लिए ये बेस्ट कलर्स हैं। बैकग्राउंड में बहुत जल्दी आपकी पेंटिंग बन जाती है, बैकग्राउंड कलरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और इनको मिक्स बहुत अच्छे से किया जा सकता है और बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सॉफ्ट पेस्टल कलर। अब हम बात करते हैं ऑयल पेस्टल कलर की। तो ये है हमारे ऑयल पेस्टल कलर। ये जो पैक है मेरे पास, ये छोटा पैक है और ये है 90 रुपीज़ वाला। तो मार्केट में, और ये कैमल कंपनी का है, इसके अलावा आप मार्केट में देख सकते हो अप्सरा के कलर्स हैं सॉफ्ट इसमें ऑयल पिस्टल में जो आते हैं, और डोम्स के कलर्स हैं जो ऑयल पिस्टल में आते हैं। इनमें क्या होता है कि आप देखोगे तो हर कलर में हल्का सा ऑयल होता है, ठीक है। तो ऑयल होने की वजह से ये शीट, जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ये देखो और ये देखो, अब इनको हम मर्ज करते हैं। हाँ, इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ऑयल पेस्टल जो कलर्स होते हैं इनको जब मर्ज करते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है मर्ज करते टाइम। लेकिन ये बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं और इजीली देखो ये फैलेंगे नहीं आपकी शीट के ऊपर, ये फैलेंगे नहीं। इसके कंपैरिजन में अगर आप इसको देखोगे तो ये फैल जाते हैं। अगर ज़्यादा कलर आपके सॉफ्ट पेस्टल में लग गया तो ये फैल जाएंगे, शीट को ख़राब कर देते हैं। और ये जो ऑयल पेस्टल कलर्स हैं ये एज इट इज़ ही आपके रहते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करने के लिए बोलूँगी एग्ज़ाम में। और अगर एज अ हॉबी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो दोनों ही कलर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पेंटिंग्स बनाओ, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाओ। ओके, थैंक यू।